अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आपका सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। ये है जी हमारे, हमने बनाया बेंच रेस्ट। मैंने कहीं से देखा नहीं, लेकिन ये मैंने खुद बनाया है। तो इसका मैं रिव्यू भी देने लगा हूँ आपको, और इसका यूज़र बताऊँगा, और इसके ऊपर गान रख के बताऊँगा आपको कि कैसा है कैसा नहीं है, और इसके फंक्शन बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये है जी फर्स्ट लुक इसकी, आप देख सकते हैं। ये इसकी हाइट बढ़ाने के लिए हमने इसमें ये चीज़ें लगाई हैं, ये देख सकते हैं। इसकी हाइट इतनी हो सकती है, ठीक है, ये इतना बड़ा हम इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। और इस जगह पे स्क्रू लगे हुए हैं, जिस जगह पे आपने फिक्स करना हो उस जगह पे आप फिक्स कर सकते हैं। ये इस जगह पे फिक्स कर सकते हैं, ये इसको भी बढ़ा सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, जितनी आपको चाहिए इसकी हाइट उतनी आप कर सकते हैं। इसका भी स्क्रू लगा हुआ है, तो इसको भी आप फिक्स कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमने बनाया है जी, ये हमारे पास गन है अवेंजर एक्स की, एयर विंट्री की, इसके लिए बनाया है। और अगर इसको मतलब बड़ी गन के लिए भी ये इसको एडजस्टमेंट इस तरह की है हमने कि इसकी ये जो ये वाला हिस्सा है इसके ऊपर ये लगे हुए हैं, हमने स्क्रू लगाए हैं, और इसकी बढ़ा सकते हैं, इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। ये हमने इसमें फिक्स किया, इसकी हाइट मैक्सिमम इतनी हो सकती है, ये इतनी लंबी बांध सकता है कि इसके ऊपर हम बड़ी रैफल भी रख सकते हैं, ये देख सकते हैं कितनी बड़ी रैफल है, हम इसके ऊपर रख सकते हैं। लेकिन जो मेरी गन है उसके लिए इसको जो छोटा चाहिए, तो ये इधर छोटा हो जाता है। और इसकी दो एडजस्टमेंट हैं, इसकी एडजस्टमेंट देख सकते हैं, ये नीचे हमने लगाए हैं लेवल के लिए, इससे भी हम इसकी ऊंचाई कम कर सकते हैं। ये तीन हमने लगाए हैं, ठीक है, इधर भी लगाए हैं, ये आप देख सकते हैं, और ये भी हमने लगाए हैं, ठीक है, ये हमने लगाए हैं। और उसके अलावा इससे भी हम हाइट इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी मैं इसके ऊपर गन रख के आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर गन कैसी लगती है, और इसके फ़ायदे भी मैं आपको बताऊँगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि मेरी जो गन है इसकी स्कोप को जो है ना लेवल करने के लिए, स्कोप फिटिंग करने के लिए जो मैं बड़ा परेशान था, तो आज जब मैंने बनाया है तो इसके ऊपर रखी है गन, तो ये तकरीबन एक मिनट के अंदर गन हमारी गन की जो स्कोप है वो ज़ीरो हो गई। अभी ये देखें हम इसके ऊपर रख के आपको दिखाते हैं, ये हमने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है, जितनी आपने करनी हो उस तरीके से आप कर सकते हैं, ये देख सकते हैं, ऊपर करनी ऊपर कर लें, इसको टाइट कर दें। ये अभी हमारी गन पड़ी है जी, ठीक है, ये स्क्रू है, इस जगह पे लग जाएगा, इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको भी इस जगह पे लगा सकते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, लो जी ये टाइट हो गया। इसके फ़ायदे क्या हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमने जो स्कोप लगानी है, स्कोप का लेवल करने के लिए ये सबसे बेस्ट है। उसके अलावा जो हम ग्रुप लेते हैं, ग्रुपिंग करते हैं किसी भी पैलेट की एक्यूरेसी चेक करने के लिए, जो इंपोर्टेड आते हैं बेंच रेस्ट वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं, वो तकरीबन 15,000-20,000 रुपए के होते हैं। लेकिन ये जो हमने बनाया है, मैंने खुद बनाया है, इसमें मेरी गलतियां भी हो सकती हैं क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ या कोई मैं मैकेनिक नहीं हूँ इन चीज़ों का, ये मैंने खुद एक माइंड में आइडिया बनाया, तो ये चीज़ें ला के मैंने खुद इसकी वेल्डिंग की है, सारा कुछ खुद किया है। तो एक इसकी एक्यूरेसी हम चेक कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से, इसी गन को हम जो है ना ज़ीरो कर सकते हैं, स्कोप को ज़ीरो कर सकते हैं, जो मतलब कोई भी किसी किस्म का मसला है वो आप इससे हल कर सकते हैं। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये सिर्फ हमने ये बाईपॉड ये लेके जाना है बेंच रेस्ट, ठीक है, ये देख सकते हैं इसमें गन कितनी फिक्स आई है कि ये गन हिल नहीं रही बिल्कुल भी, ये गन इसमें हिल नहीं रही, ठीक है, ये इतनी टाइटली इसमें आई है। ये जो ऊपर हमने इसके ऊपर जिसमें ये गन फिट होती है जो बनाए हैं ये वाले, इसके ऊपर हमने लगाया है जी फोम लगा के उसके ऊपर टेप की है कि गन को स्क्रैच ना आए। और अगर कोई दोस्त कहता है कि इसके अंदर जो है इस जगह पे स्क्रू भी लग सकते हैं, उसका फ़ायदा क्या होगा, तो वो गन बिल्कुल ही नहीं देगी, अभी थोड़ी बहुत अगर कहता है कोई वाइब्रेशन हो रही है तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। और ये जो मैंने बनाया है ये इस तरह बनाया है कि ये हम कुर्सी के ऊपर नहीं बैठ के, मतलब हमें टेबल की ज़रूरत नहीं है, सबसे बड़ा जो मैंने इसको बनाया है इसका मतलब टेबल की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमने जो बिल्कुल आप ज़मीन के ऊपर बैठ के, सिर्फ हमारे पास ये बेंच रेस्ट हो और ज़मीन के ऊपर अपने तशरीफ़ ज़मीन के ऊपर रखें और इसकी एक्यूरेसी हम ले सकते हैं बगैर किसी टेबल के, बगैर किसी चीज़ के, सिर्फ हमें ये चाहिए क्योंकि इसकी हाइट वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि ये कितना ऊंचा हो सकता है मैक्सिमम, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं
ये इसमें टाइटली इसको इस तरह टाइट किया है कि इसमें जो गन है ना वो फिक्स हो के आए, और इसके ऊपर ये हमने टेप लगाई है कि फोम लगा हुआ है उसके ऊपर टेप लगाई है कि स्क्रैच ना आए बिल्कुल गन को। अब ये देखें ये इतना ऊंचा तकरीबन हो सकता है। अभी इसके ऊपर हमने ना एक दो चीज़ें वेल्ड करनी है कि ये फुल टाइट हो जाए, इस तरह ये हाथ से टाइट नहीं होता, वो मैंने करने लगे। और इसको भी जो हम ना ऊपर कर सकते हैं, ये थोड़ा सा न्यू है तो सख्त है तो रीडिंग करनी पैसे अपन। अच्छा ये भी हमने निकाल लिया है तो इसको भी हम जो है ना इतनी हाइट कर सकते हैं। इसके ऊपर अभी हम गन रखेंगे, ये तकरीबन इतना ऊंचा है, तकरीबन ये 2 फुट है कि आप जमीन के ऊपर बैठ के ना किसी भी जगह पे ग्रुप लेना चाह रहे हो आराम से ले सकते हैं, किसी टेबल की किसी चेयर की जरूरत नहीं है। तो अगर ये किसी भाई ने बनवाना हो तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुझसे रब्ता कर सकते हैं, हम उसको बना के भी देंगे। अगर कोई भाई इसमें मुझे कहता है कि ये जब चीज़ आपने कमी है इसमें कमी पेशी है तो वो भी हमें मशवरा दे सकते हैं, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल ये चीज़ें बनाने वाला नहीं हूँ, ये मैंने फर्स्ट टाइम एक मेहनत मतलब एक माइंड में तजर्बा किया है तो ये बनाया है। तो मैं नंबर वीडियो में दे दूंगा, अगर किसी भाई ने कुछ बनवाना हो ये चीज़ तो वो भी रब्ता कर सकते हैं। अगर किसी भाई ने कहता है कि इसमें ये चीज़ की कमी है या इस चीज़ में आप ये अपग्रेड कर दें तो उसके बारे में उसकी कीमती राय का जो है ना हम उसका थैंक यू करेंगे कि उसने हमें अपनी कीमती राय दी है। तो ये था जी हमारा बेंच रेस्ट, मिलते हैं किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।